हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू अचीव इट। हियर वी आर ही द फोर्थ चैप्टर फ्रॉम होम साइंस क्लास इलेवेंथ एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी पार्ट थ्री ऑफ दिस चैप्टर सो अभी तक अगर आपने पार्ट वन और टू नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेस कितने टाइप के होते हैं फिर हमने ये पढ़ा कि रिसोर्सेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और आज हम पढ़ेंगे कि हम इन रिसोर्सेज को मैनेज कैसे कर सकते हैं मैनेजमेंट का पूरा जो प्रोसेस होता है ना उसको हम पढ़ेंगे तो ये रहा हमारा टॉपिक जिसका नाम है द मैनेजमेंट प्रोसेस एज स्टेटेड अब द मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व फाइव एस्पेक्ट्स प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एम्प्लीमेंटिंग कंट्रोलिंग एंड इवेल्यूएशन देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है ना उसमें पांच एस्पेक्ट्स होते हैं कौन कौन से प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोलिंग एंड ईवेल्यूएशन तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लानिंग के बारे में कि प्लानिंग क्या होता है और प्लानिंग की कैसे जाती है इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी मैनेजमेंट प्रोसेस देखो किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग करना इट हेल्प्स अस टू विजुलाइज द पाथ टू रीच अवर गोल देखो ये जो प्लानिंग होती है ना हमारी मदद करती है कि हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं एक हमारे सामने एक विजुलाइजेशन आता है जिसके तहत हम ये समझ पाते हैं कि कैसे कौन कौन से तरीके यूज़ करके हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं इन अदर वर्ड्स टू प्लान इज टू प्रोड्यूस अ स्कीम फॉर एक्शन टू अचीव स्पेसिफाइड गोल्स बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेस तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्लानिंग करने का मतलब होता है स्कीम्स को देखना कि कौन कौन से तरीके हम यूज़ कर सकते हैं हम क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाए ठीक है और मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके हम अपने गोल को अचीव कर पाए प्लानिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शन देखो प्लानिंग में हम सबसे पहले एक्शन के तरीकों को सेलेक्ट करते हैं कि हमें काम कैसे करना है टू प्लान इफेक्टिवली टू अचीव अ गोल यू मस्ट आस्क द फॉलोइंग फोर बेसिक क्वेश्चन तो किसी भी चीज़ को प्लान करने के लिए आपको चार क्वेश्चन पूछने की जरूरत है द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू टू डेवलप अ प्लान और जो ये चार क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ना वो आपकी हेल्प करेगा आपको प्लान डेवलप करने में ठीक है प्लान बनाने में आपकी हेल्प करेंगे ये फोर क्वेश्चन और इनके आंसर सबसे पहला क्वेश्चन वॉट इज अवर प्रेजेंट सिचुएशन देखो प्लानिंग करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है ठीक है आपको क्या चीज़ अचीव करनी है आपके पास अभी क्या अवेलेबल है तो सबसे पहले आप ये पूछोगे अपने आप से कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है दिस इन्वॉल्वस असेसिंग द प्रेजेंट सिचुएशन एनालाइजिंग वॉट वन हैज एट प्रेजेंट एंड वॉट वन वुड लाइक टू हैव इन फ्यूचर तो जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि आपके पास अभी क्या है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है तो आपको ये समझ में आता है कि आपके पास अभी क्या है और फ्यूचर में आप क्या अचीव करना चाहते हो ठीक है सेकंड क्वेश्चन है वेयर डू वी वांट टू रीच हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या है अब हम ये पूछेंगे कि ठीक है हमारे पास ये है लेकिन हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं ठीक है दिस इन्वॉल्व सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स और टारगेट विच वी डिजायर टू अचीव कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स तो जब हम ये क्वेश्चन पूछेंगे ना तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारा गोल क्या है हम अपने गोल को सेट कर पाएंगे ठीक है कि ये हमारा गोल है फ्यूचर में हमें इसको अचीव करना है ठीक है थर्ड है गैप आप ये पूछोगे ठीक है आपकी प्रेजेंट uh, सिचुएशन ये है आपको अचीव दूसरी चीज करनी है तो दोनों में कितना गैप है आपको कितने एफर्ट्स लगाने होंगे कितने रिसोर्सेस यूज करने होंगे उस फ्यूचर वाली चीज को पाने के लिए तो आप सबसे पहले गैप को समझोगे दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आवर प्रेजेंट सिचुएशन एंड द सिचुएशन आपकी प्रेजेंट सिचुएशन और आपकी डिजायर सिचुएशन जो आपने डिजायर की है आप जैसा सिचुएशन चाहते हो उन दोनों में कितना डिफरेंस है वी नीड टू कवर दिस गैप इन ऑर्डर टू अचीव अवर गोल्स तो हमें सबसे पहले इस गैप को कवर करना पड़ेगा अगर हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो फोर्थ है हाउ कैन वी रीच अवर डिजायर्ड गोल अब हम ये पता चल गया हमें कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है हमें ये भी पता चल गया कि हमें अचीव क्या करना है फिर हमें ये भी पता चल गया कि ठीक है गैप कितना है तो अब हम ये प्लान करेंगे कि ये जो डिजायर गोल है इसको पाने के लिए हमें क्या करना है हम कैसे अपने इस डिजायर गोल तक पहुंच सकते हैं आंसरिंग दिस क्वेश्चन आपकी प्रेजेंट सिचुएशन और आपकी डिजायर सिचुएशन में गैप तो है आप उस गैप को भरोगे कैसे दिस इन्वॉल्व मेकिंग प्लान टू अचीव गोल्स अब यहां पर हम प्लान बनाने लगते हैं कि ठीक है गैप है इसको कैसे भरना है क्या क्या प्लान्स हैं हमारे क्या क्या तरीके हम यूज करेंगे क्या क्या रिसोर्सेज यूज करेंगे अब यहीं से हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है ठीक है यहाँ पे देखो फिगर के थ्रू भी बताया गया है ये करंट सिचुएशन है ये फ्यूचर इमेज गोल है कि आप फ्यूचर में ये बनना चाहते हो और अभी आप ये हो ठीक है अब आप इन दोनों का गैप समझोगे कि ठीक है ये मैं हूं ये मैं होना चाहता हूं तो इन दोनों में गैप क्या है पहले आप गैप सोचोगे फिर जब आपको गैप समझ में आएगा कि ठीक है ये ये गैप है फिर आप ये सोचोगे कि इन गैप को कवर कैसे किया जाए ताकि हम अपने फ्यूचर इमेज गोल तक पहुंच पाए ठीक है अब देखो प्लानिंग के स्टेप्स क्या हैं ये जो प्लानिंग आप करोगे इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे ठीक है सेकंड है आइडेंटिफाइंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, उसके बाद आप डिफरेंट विकल्पों को चुनोगे आप देखोगे कि ठीक है प्रॉब्लम हमारी ये है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं फिर आप चूज़ करोगे उन अल्टरनेटिवस के बीच में कि हमारे पास ये ये अल्टरनेटिवस हैं इनमें से कौन सा बेटर है जिसको हम चूज़ करेंगे फोर्थ है acting to carry out the plan putting the plan into action फिर आप क्या करोगे आप प्लान एक अपनाओगे ठीक है उस प्लान को एक्शन में लाने की कोशिश करोगे फिफ्थ है एक्सेप्टिंग द कॉन्सिक्वेंसेस अब आप जब कोई प्लान बनाओगे प्लान के हिसाब से एक्शन करोगे तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम होगा ना कुछ ना कुछ तो कंसीक्वेंसेस uh, होंगे ही तो उन कंसीक्वेंसेस को आप एक्सेप्ट करोगे ठीक है फॉर एग्जांपल देयर इज ओनली वन मंथ लेफ्ट फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन एंड यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर रिविजन अब देखो यहां पे आपको एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि प्लानिंग कैसे करनी है जैसे मान लो आपके एग्जाम में एक महीना बाकी है और आपने रिवीजन तक नहीं किया है आपने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया है तो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है ठीक है और आपका एम क्या है आपका एम ये है कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने हैं टू अचीव दिस गोल यू नीड टू स्टडी फाइव सब्जेक्ट्स इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड गैप तो इस गोल को अचीव करने के लिए आपको पांच सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और वो भी आपके पास कुछ टाइम है उसी टाइम के अंदर में आपको ये पांचों सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं तो ये क्या है गैप है कि आपको भैया पांच सब्जेक्ट पढ़ने हैं और जो टाइम आपके पास अवेलेबल है उसी में आपको ये पांचों सब्जेक्ट का पा रिवीजन कंप्लीट करना है तो तभी आप क्या कर पाओगे अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे तो ये क्या हुआ ये गैप हुआ आपका यू वुड थिंक ऑफ अ वे टू अचीव दिस गोल प्रिपेरिंग अ प्लान ऑफ एक्शन अब आप सोचोगे कि यार ये मेरी प्रजेंट सिचुएशन है मुझे अचीव क्या करना है मुझे अचीव करना है मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं ये मेरी अचीवमेंट होगी ठीक है तो फिर आप देखोगे कि अब आपके पास गैप क्या है गैप ये है कि यार फाइव सब्जेक्ट्स हैं फाइव सब्जेक्ट्स के लिए टाइम उतना ही है लिमिटेड टाइम है तो लिमिटेड टाइम में आपको पाँच सब्जेक्ट्स कम्प्लीट करने हैं अगर आप ये कर लोगे तब तो आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे अब आप डिफरेंट टाइप के प्लान्स बनाओगे कि आप क्या करो कि आप उस लिमिटेड टाइम में इन पांचों सब्जेक्ट्स को पढ़ पाओ ठीक है आप प्लान करोगे फिर उसी के हिसाब से आप एक्शन लोगे विच विल इंक्लूड द नंबर ऑफ आर्ट्स यू विल डिवोट टू ईच सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजिंग सब्जेक्ट्स करटेलिंग अदर एक्टिविटीज एंड सो ऑन देखो अब आप जब भी प्लान करोगे तो आप क्या करोगे आप सबसे पहले ये देखोगे कि आपके पास कितने आर्स अवेलेबल हैं आपके पास कितने घंटे अवेलेबल हैं फिर आप उन घंटों को डिवाइड करोगे आप हर सब्जेक्ट को टाइम देने की कोशिश करोगे फिर आप ये देखोगे कि आपके कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको टफ लगते हैं या जिसमें आपको लगता है कि आप वीक हो थोड़े से आप उसको प्रायोटाइज़ करोगे उसको प्रायोरिटी थोड़ी ज़्यादा दोगे उसके बाद आप जो अदर एक्टिविटीज़ हैं जैसे टीवी देखना गेम्स खेलना उसको कर्टेल करोगे कम करोगे तो इस तरह से आप एक प्रॉपर प्लानिंग बना के सारी एक्टिविटीज़ को करोगे ताकि आप अपने डिजायर गोल को अचीव कर पाओ ठीक है सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग अब जब आपका प्लान बन जाएगा तो आप फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू करोगे इट इज़ कलेक्टिंग एंड अरेंजिंग अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट प्लान इन एन इफेक्टिव एंड एफिशियंट मैनर देखो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है आप उसको कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे अरेन्ज करोगे ताकि आप जो भी एक्शन लेने वाले हो उसको ले पाओ इफ यू टेक The above example, you would organize and arrange all the resources which you may require to study and secure good marks. अब देखो अगर हम पहला वाला example देखें कि आपको क्या करने हैं अच्छे marks लाने हैं। तो आपने प्लानिंग तो कर ली कि आपको ये ये करना है अब वो प्लानिंग करने के लिए आप क्या करोगे रिसोर्सेस इकट्ठा करोगे रिसोर्सेस क्या है मतलब आप स्टडी के लिए अपनी बुक्स कॉपी स्टडी टेबल सब इकट्ठा करोगे सब, सब चीजें इकट्ठा करके आप बैठ जाओगे ठीक है अब इसमें आप देखो ऑर्गेनाइजिंग के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस होंगे आपके जो बुक्स हैं नोट्स हैं स्पेस ऑफ स्टडी है कि किस जगह पे आप पढ़ाई करोगे लाइट स्टेशनरी आपका एनर्जी कि आपका एनर्जी लेवल क्या हो बना रहे आप क्या खाओ आप अपनी डाइट भी मेंटेन करते हो उस टाइम फिर आप टाइम को भी देखते हो ठीक है टाइम भी क्या है एक रिसोर्स है एनर्जी भी क्या है एक रिसोर्स है अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं रहेगी तो आप पढ़ाई कैसे कर पाओगे आपके पास टाइम ही नहीं अवेलेबल रहेगा तो आप पढ़ाई कब करोगे तो इसीलिए इन सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज आप करोगे ठीक है उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग दिस स्टेज इनवॉल्व्स कैरिंग आउट द प्रिपेयर प्लान अब आपने प्लानिंग कर ली आपने चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया अब आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे जैसे आपको पढ़ाई करनी है ना तो अब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे दिस स्टेज इन्वॉल्व कैरिंग आउट द प्रिपेयर प्लान इन द एब एग्जाम्पल यू विड पुट द प्लान इन टू एक्शन बाय स्टार्टिंग टू स्टडी फ्रॉम द एवेलेबल रिसोर्सेस आपने प्लानिंग कर ली आपने रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज कर लिया इकट्ठा कर लिया अब आप स्टार्ट कर दोगे अपनी स्टडी तो इसको हम बोलेंगे इम्प्लीमेंटिंग कि आपने प्लान बनाया ऑर्गेनाइज किया अब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसको आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हो फोर्थ है कंट्रोलिंग इट रिफर्स टू द टास्क ऑफ इंश्योरिंग दैट योर एक्टिविटीज आर प्रोड्यूसिंग द डिज़ायर रिजल्ट अब आप कंट्रोल करने का क्या मतलब है कि आप ये समझोगे कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो आपके गोल के लिए ही हो आपके गोल को अचीव करने के लिए ही हो ठीक है इन अदर वर्ड्स द प्लान यू पुट यू हैव पुट इन टू एप्शन इज गेटिंग टू डिज़ायर्ड रिजल्ट आप दूसरे शब्दों में ये भी समझ सकते हो कि आप जो भी आपने प्लान किया है आप जो भी चीज़ें कर रहे हो वो आप की डिज़ायर्ड रिजल्ट को पाने में हेल्प करेंगे ठीक है ये नहीं कि आपने प्लानिंग कुछ और की आप कर कुछ और रहे हो और आप पाना कुछ और चाहते हो तो ऐसे कहाँ हो पाएगा आपको स्टडी करनी है आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं और आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो मतलब आपने प्लान किया कि अब मैं ठीक है टीवी नहीं देखूंगी लेकिन आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो आपने टाइम टेबल बना लिया लेकिन आप उस टाइम टेबल पे पढ़ाई करने बैठ नहीं पा रहे हो पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर रहे हो आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो ठीक है कंट्रोलिंग हेल्प मॉनिटर द आउटकम ऑफ एक्टिविटीज एंड मेक्स श्योर दैट द प्लान आर बींग इम्प्लीमेंटेड करेक्टली देखो कंट्रोलिंग का यही मतलब होता है कि ये हम समय समय पे मॉनिटर करते रहें देखते रहें कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ठीक है इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स फीडबैक एंड हेल्प टू चेक एरर तो ज़रूरी है कि आप समय समय पर फीडबैक लेते रहो अगर कोई गलती हो रही है तो उसको भी चेक करते रहो फीडबैक हेल्प यू टू रिवाइज़ योर प्लान ऑफ एक्शन सो यू कैन अचीव योर गोल्स तो फीडबैक से क्या होता है आप अपने प्लान को फिर से रिवाइज करते हो अगर आपको अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा है तो आप सोचोगे कि यार जरूर मेरे प्लान में कोई गड़बड़ी होगी मुझे फिर से प्लान करना चाहिए मुझे थोड़ा अलग तरीके से काम को करना चाहिए ताकि मैं अपने गोल्स को अचीव कर ठीक पाऊर फोर वाइल यू आर पुटिंग योर स्टडी प्लान इंटू एक्शन यू यट यू आर अनएबल टू कंप्लीट योर अलॉटेड चैप्टर बिकॉज यू वॉच टेलीविजन दिस गिव यू द फीडबैक दैट यू नीड टू मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शन देखो मान ले मान लो आपने टाइम टेबल बनाया ठीक है लेकिन आप उस टाइम टेबल के हिसाब से स्टडी नहीं कर पा रहे हो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो आपने जो टाइम रखा था आप उस टाइम पे टी जाके देख रहे हो या मान लो आपने टी के लिए दो घंटे रखे कि मैं दो घंटे टी वी देखूँगी आप टी देख रहे हो दो घंटे आप स्टडी भी कर रहे हो लेकिन फिर भी जो आपका फीडबैक आप दे रहे हो अपने आप को मतलब जो आप टेस्ट ले रहे आप फीडबैक कैसे लोगे आप मान लो हर वीकेंड पे कोई पेपर सॉल्व कर लो प्रीवियस ईयर का अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया और आपको लग रहा है कि यार कुछ अच्छा नहीं हो रहा है मतलब मैं मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही है तो अब आप अपने स्टडी प्लान को फिर से बना सकते हो आप अपने टाइम टेबल को फिर से रिवाइज़ कर सकते हो कि भैया टाइम टेबल को फिर से बनाने की ज़रूरत है क्यों क्योंकि जो टाइम मैंने बना टाइम टेबल मैंने बनाया है उस हिसाब से मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे फिर आप क्या करोगे आपने जो दो घंटे रखे थे टीवी देखने के लिए आप उसको मिनिमाइज कर दोगे कम कर दोगे या एकदम खत्म कर दोगे कि मैं अब टीवी नहीं देखूंगी ठीक है यू विल नॉट वॉच टीवी प्ले और चैट विथ फ्रेंड्स ड्यूरिंग द स्टडी आर्स एज इट कैन इफेक्ट द आउटकम ऑफ योर फॉर्मुलेटेड प्लान आई ई स्टडी एज पर डिसाइडेड नंबर ऑफ स्टडी आर्स तो आप टीवी नहीं देखोगे फ्रेंड से बातचीत नहीं करोगे मतलब वो कोई भी चीज नहीं करोगे जिसकी वजह से आपकी स्टडी खराब हो रही हो ठीक है तो इसको कहते हैं कंट्रोलिंग कि आप अपने ऊपर क्या कर रहे हो कंट्रोल कर रहे हो आपकी जो जो डिस्ट्रेक्शन है आप उनको कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं अब मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी ठीक है उसके बाद है इवेल्युएशन आपने सब कुछ कर लिया आपने प्लानिंग की ऑर्गेनाइजिंग की इम्प्लीमेंटेशन किया कंट्रोल भी किया अब फाइनली आप इुएट करोगे ये क्या होता है ये फाइनल स्टेज होता है मैनेजमेंट का द आउटकम्स दैट यू हैव एट आफ्टर पुटिंग योर प्लान इन टू एक्शन आर इवेल्युएटेड अब जो आउटकम है ना उसको आप क्या करोगे इवेलुएट करोगे आपको जो रिजल्ट मिलेगा आप उसको देखोगे द एंड रिजल्ट ऑफ द टास्क इज कंपेयर डिजायर्ड रिजल्ट अब जो आपका टास्क है उसका जो फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा ना आप उसको डिजायर्ड रिजल्ट से कंपेयर करोगे कि जो मैंने चाहा था वैसा मुझे मिला या नहीं मिला

with reference to the example of studying evaluation is what you do when you get back the checked answer sheet of the examination ab yahan pe study wala jo hum log kar rahe the plan kar rahe the usi ko dekhenge isme aap ko jab finally mark sheet मिलेगी ना तो आप देखोगे कि जो आपने इच्छा की थी जो आपका desire था उतने marks आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं यू इवेल्युएट योर मार्क् आंसर शीट एज पर द प्रिपरेशन यू हैड डन फॉर द एग्जामिनेशन एंड द रिजल्ट यू हैड वॉन्टेड टू अचीव तो आप चेक करोगे कि जो आप पाना चाहते थे वो आप पा पाए कि नहीं पा पाए इफ द स्कोर्स फॉर एनी सब्जेक्ट फॉल शॉर्ट ऑफ योर एक्सपेक्टेशन यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द सेम अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको 100 में से 90 मार्क्स मिलेंगे लेकिन आपको सिर्फ 80 मार्क्स मिले तो आप फिर देखोगे कि कहाँ पे आपसे कमी रह गई क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से आप 90 मार्क्स नहीं गेन कर पाए एट द सेम टाइम यू ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ विच हेल्प्ड यू टू सिक्योर गुड मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट्स इसी के साथ साथ आप अपनी स्ट्रेंथ को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि कौन सी ऐसी आपकी स्ट्रेंथ थी जिसकी वजह से आपने अदर सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर किए देन यू यूज दिस स्ट्रेंथ्स टू ओवरकम योर लिमिटेशंस टू सिक्योर बेटर मार्क्स इन योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन इन स्ट्रेंथ का यूज़ करके आप अपनी लिमिटेशन को कम कर पाओगे मतलब आप अपनी वीकनेस को कम कर पाओगे और जब भी आपके नेक्स्ट एग्जाम्स होंगे आप उनमें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे ठीक है तो इवैल्यूएशन के थ्रू आपको समझ में आता है कि आपकी वीकनेस क्या है आपकी स्ट्रेंथ क्या है और फिर उसी हिसाब से आप क्या करते हो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते हो या जो भी आपको नेक्स्ट आगे चीज करनी है आप उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ठीक है क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी वीकनेस क्या है कहाँ पे आपको काम करना है ठीक है तो इवैल्यूएशन लास्ट में किया जाता है जहाँ पे आप पूरे टास्क को देखते हो कि कहाँ मैंने अच्छा किया कहाँ मेरे से थोड़ी कमी रह गई ठीक है इन एडिशन टू द डिफरेंट रिसोर्सेस डिस्कस्ड इन द चैप्टर देर आर समर नॉन ह्यूमन रिसोर्सिस दैट फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लिविंग तो देखो इस चैप्टर में हमने डिफरेंट रिसोर्सिस के बारे में बात किया इसके अलावा और भी बहुत सारे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस हैं जो कि हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं वन सच रिसोर्स इज फैब्रिक्स और इन्हीं रिसोर्सेस में से एक है हमारे फैब्रिक्स यानी कि हमारे कपड़े द फॉलोइंग चैप्टर टेल्स अस अबाउट द वेरियस फैब्रिक्स दैट वी कम इन टू कॉन्टैक्ट विथ एंड देयर प्रॉपर्टीज तो नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे हम फैब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे आस पास हमा, फैब्रिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना